हेलो दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। तो जैसे दोस्तों, आज सीआरडी का देसी इलाज मैं बताऊंगा, जो आप बहुत अच्छी तरीके से घर के किचन से ही दवा कर सकते हो। तो दोस्तों, सीआरडी जो होता है वो ज़्यादातर सर्दी और गर्मी दोनों मौसम में होता है। तो दोस्तों, इस बीमारी का ज़्यादातर खतरा सर्दी के समय और गर्मी में अटैक करती है। इसका वायरस हवा में भी हो सकता है दोस्तों। इस वायरस का जब अटैक कर देता है तो सांस नली को जाम कर देता है, और चिक्स हो या मुर्गी हो, सबको हो सकता है। और दोस्तों, इसके पेरेंट्स में अगर सीआरडी का प्रॉब्लम है तो ये जो अंडा देगी मुर्गी, उस चिक्स निकलेगा, उसको भी हो सकता है। पेरेंट्स से भी सीआरडी होता है। तो दोस्तों, फार्म में किसी नए अनजान आदमी को घुसने ना दें। बायो सिक्योरिटी का ज़रूर ध्यान दें दोस्तों। और दोस्तों, इसका पहचान मैं बता देता हूँ। सीआरडी का तो पहचान है छींकना, गर्दन झटकना, आंख नाक से पानी आना, दाना पानी नहीं खाना, बीट का सफ़ेद होना, अंडा देना लेकिन छिलका नरम होना। दोस्तों, मैं 100 मुर्गी के हिसाब से देसी इलाज बता रहा हूँ, जो आप अपने घर के किचन से ही कर सकते हो बहुत आसानी से। दोस्तों, 50 ग्राम अजवाइन लेना है, 100 ग्राम लहसुन लेना है, और आधा चम्मच हल्दी पाउडर दोस्तों, और 10 लौंग लेना है, 50 ग्राम गुड़, 100 ग्राम अदरक और 20 नग काली मिर्च। दोस्तों, सब इसको पीस के और लगभग 4 कप पानी में उबाल के, जो पानी चलता है उस ड्रिंकर में आप डाल दें। और दोस्तों, जो छान के उसमें बचता है मटेरियल, वो दाने में मिक्स करके दे दें। तो दोस्तों, ये देसी का सबसे बेहतरीन इलाज है। तो दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और भी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल पे ज़रूर जाएं, और लाइक करें, शेयर करें दोस्तों को। तो दोस्तों, इसी तरह से वीडियो आपको डे बाय डे मिलते रहेंगे। तो दोस्तों, ये है सबसे बेहतरीन देसी इलाज। तो दोस्तों, एक बार और बता देता हूँ, जो फार्मूला है वो 50 ग्राम अजवाइन, 100 ग्राम लहसुन, आधा चम्मच हल्दी, 10 लौंग, 50 ग्राम गुड़, 100 ग्राम अदरक, 20 नग काली मिर्च। तो दोस्तों, आप एक बार आराम से देख कर इसको, हफ्ते में अगर ठंडी का मौसम हो तो 2 दिन चलाएं, नहीं तो इसको आप 15 15 दिन पे, गर्मी में 2 2 दिन चला सकते हैं रात के टाइम में। और अगर ठंडी है दोस्तों तो इसको 3 दिन दे सकते हैं। इससे आपके मुर्गियों में सीआरडी का प्रॉब्लम कभी नहीं होगा, चाहे जो भी ब्रीड हो दोस्तों, ब्रॉयलर हो, देसी हो, डबल एफजी हो, बैकयार्ड फार्मिंग में कोई भी ब्रीड हो दोस्तों, ये सभी को फ़ायदा करेगा, और ज़्यादा से ज़्यादा आपको फ़ायदा होगा। आप एक बार ज़रूर ट्राई करके देखें।